इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दे, किसान नेता सरबन सिंह पंढेर का बयान भी सामने आया है कि पीएम मोदी किसानों से बात करें, एमएसपी की मांग सरकार पूरी करें, किसानों की मांग पर सरकार भ्रमित कर रही है। तो देखिए, दूसरी तरफ किसान नेता का यह कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर खासतौर पर एमएसपी की जो मांग की जा रही है किसानों की तरफ से, वो सरकार पूरी करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर बात करें। मुझे लगता नहीं है अभी सरकार सिंसियर है। जो मीडिया में अभी बातें आ रही हैं कि सरकार बोल रही है कि ये जो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून है ये बन नहीं सकता इतनी जल्दी। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी ये 23 फसलों के ऊपर एमएसपी अनाउंस करते हैं सीएसईपी की रिपोर्ट के अनुसार, सारी कैलकुलेशन होती है पूरे देश से। तो जिन फसलों के आप ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं पहले से अनाउंस करते हैं, कुछ की खरीद करते हैं बाकियों की खरीद नहीं करते, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना, उसके ऊपर लीगल गारंटी दे दीजिए भी उस एमएसपी से नीचे हमारी फसल ना बने। तो इसमें कमेटी का तो सवाल नहीं है, सीएसईपी की रिपोर्ट आपके पास है, आप पहले चीज अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार के मंत्री महोदय मीडिया में तथ्यों को सही रूप में नहीं रख रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे आएं और किसानों से वार्ता करें, और जो पिछले 75 सालों से ये बड़ी मांग रही है हमारी, उनको मानना चाहिए। हम देश के किसान मजदूर हैं, पहले भी हमारे ऊपर खालिस्तान का अटैक लगा गया और ये बोला गया ये पाकिस्तान की एजेंसियाँ इनके मगर है, ये बोला गया कि चीन की एजेंसियाँ, अब बोलते हैं इनके पीछे लेफ्ट है, फिर बोलते हैं इनके पीछे कांग्रेस है, फिर बोलते हैं इनके पास आम आदमी पंजाब वाले। तो पहले निर्णय तो करें भी कौन कौन है हमारे पीछे। तो इस तरह से भ्रमित करके पूरे देश को आप जो हमारी उचित मांगे उनको ठुकरा नहीं सकते, इस तरह का कोई सवाल नहीं है। खालिस्तान हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम किस देश के किसान मजदूर हैं और उनकी मांगों के लिए आज आए हुए हैं।